सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लीडर्स दिलीप दा, राहुल दा, मुकुल दा, डॉक्टर सुभाष दा, स्वपन दा, सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कर्मठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। और आज एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास के नरेटिव को लेकर उनसे जिस प्रकार पूरे देश में लोग प्रभावित हुए हैं, उसी तर्ज पर बंगाल में भी बहुत बड़े तादाद में लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास की नरेटिव से, उनके विकास के कामों से, जिस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है उससे प्रभावित होके बंगाल में हर क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और वो मोदी जी के इस विकास यात्रा में भाग लेना चाहते हैं। आज बड़े हर्ष के साथ हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग है बंगाल से, वो कला जगत के हैं। बंगाल के लिए जाना जाता है कि बंगाल अपने कला के लिए, अपने अभिनय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। मैं भारत ही नहीं कहूंगा, पूरे विश्व प्रसिद्ध है। एक से बढ़कर एक ऐसा व्यक्तित्व बंगाल से आया है जिसके लिए भारत फक्र करता है, भारत में अभिमान है और गर्व है। वैसे ही 12 भाई बहन आज हमारे साथ बंगाल से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं। मैं उनका नाम पढ़ूंगा और उसके बाद विधिवत तरीके से एक एक करके हम उनको पहचानेंगे, मेंबरशिप के हम जो फॉर्म है उस फॉर्म को भी देंगे और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ऋषि कौशिक जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी बहुत रिनाउंड टॉलीवुड एक्टर हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा वो मंच पे आए। ऋषि जी, ऋषि कौशिक, इन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं जैसे क्रांति, चंदेर बारी, मुलिक बारी, विलियन इत्यादि। पारो मित्रा जी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा पारो जी भी मंच पे आए। रूपा भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। अनिंद्य बनर्जी जी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब जिनका नाम हम कह रहे हैं, आप प्लीज मंच पे आए। सौरभ चक्रवर्ती जी हमारे साथ है। देव रंजन नाग जी, रूपांजन मित्र, कंचन मोइत्रा, कंचन मोइत्रा जी आप मंच पे आए। विश्वजीत गांगुली और मोमिता गुप्ता, मोमिता गुप्ता, मैं आप सभी को निवेदन करता हूं आप लोग मंच पे आए। और मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद दूंगा। एक तो धन्यवाद इसलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी जैसे इतने अच्छे पार्टी में और विश्व के सबसे बड़े पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप मोदी जी के साथ काम करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, पटका अगर तैयार है तो पटका। दिलीप दा, आप दिलीप दा, राहुल दा, मुकुल दा, स्वपन दा, सरकार दा, आप लोग प्लीज पटका पहनाइए। आगे आगे आइए आप लोग, सब लोग सामने आ जाए तो मीडिया देख पाए। अरिंदम हालदार, अरिंदम हालदार, आप भी प्लीज मंच पे आइए। खड़े हो जाएंगे ना, फूल देते हैं ना।
डू वन थिंग, लेट्स ऑल स्टैंड टुगेदर। ऐसा आप सब खड़े हो जाइए और हाथ ऊपर मेंबरशिप वाला कार्ड तो देव जाने दादा। हाँ आप बैठिए बैठिए, कुछ इधर आप जहाँ बैठे बोसते बोलते दादा समझना। हाँ बोसते समझना। ভালো লাগবে একসাথে দাঁড়ালেই ভালো ছিল, মিডিয়ারা বুঝে না বাংলায় বলে দিন। श्री मैं एक बार दोबारा नाम पढ़ता हूं, श्री ऋषि कौशिक पर्णो मित्र रूपा भट्टाचार्य अनिंदव बनर्जी सौरभ चक्रवर्ती देवरंजन नाग रूपांजना मित्र कांचना मित्र विश्वजीत गांगुली মৌমিতা গুপ্ত আর একজন শেষে কে এলেন অঞ্জনা দি তো আগেই অরিন্দম হালদার অঞ্জনা দি এসছে। আচ্ছা ওখানে অঞ্জনা দি তো পাঁচ বছর আগে জয়েন করেছে। কৌশিক আরেকজন অভিনেতা আছেন কৌশিক দা, উনিও খুব পুরনো বিধানসভাও লড়েছেন। বিশেষ বাত এ হ্যাঁ কি কিসি অর প্রদেশ মে পার্টি জয়েন করনা खुशी की तो होती है लेकिन कोई समस्या नहीं होता है। अभी हमारे देश के वरिष्ठ नेता थे माने चंद्रशेखर जी, उनके सुपुत्र राज्यसभा मेंबर से पदत्याग करके बीजेपी ज्वाइन कर दिया। लेकिन बंगाल में भाजपा में ज्वाइन करना बहुत बड़ी रिस्की काम होता है, चैलेंजिंग होता है। अभी आपको सामने कुछ लोगों का हमने पेश किया पिछले 10-12-15 दिन में, काउंसिलर थे और लोग वहां जाने के बाद उनके ऊपर एक से एक केस डाला गया, वो घर नहीं जा पा रहे हैं। दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी के 20-17 काउंसिलर यहां ज्वाइन किए थे और तुरंत उनके नाम पर केस रजिस्ट्री हो गया, आज तक वो पहाड़ नहीं जा पाए। तो ऐसा स्थिति है, इसलिए कई काउंसिलर फिर एक बार टीएनसी के साथ गए हैं तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। इतना प्रताड़ना होता है, इतना अत्याचार होता है, किसी का घर भी तोड़ दिया। एक बालूरघाट का जिला परिषद मेंबर, उनका घर पर आक्रमण हो गया बीजेपी ज्वाइन करते ही। तो इस परिस्थिति में बीजेपी का हाथ पकड़ना मतलब जानबूझकर जोखिम में अपना कदम डालना। तो जो लोग इसलिए यहाँ आज आए हैं, कलकत्ता से जाने माने कलाकार हैं, कला जगत को समृद्ध बनाया उन्होंने, हमारा बंगाल की जो फिल्म इंडस्ट्री और जो सीरियल चलता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पिछले 14 साल में भी मोदी सरकार बनने के बाद काफी लोग हमारे साथ आए थे लेकिन उनका काम बंद कर दिया गया टॉलीगंज फिल्म इंडस्ट्री में। कई लोगों को चुप होना पड़ा, वापिस जाना पड़ा। मन में बीजेपी जरूर है लेकिन मजबूरी में और उनके साथ रहना पड़ता है। वहां कुछ फिल्म माफिया है जो उसको कब्जा करके रखे हैं और समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रही बंगाल की। हजारों लोग आज बेकार हैं जिनके पास काम नहीं है, फिर भी वहां एक टेक्नीशियन लोगों का हमने एक नया संगठन बनाया है, वो भी हमारे साथ हैं। 700-800 लोग ज्वाइन किए थे पिछले महीना। आज जो आए हैं कलाकार, मैं उनको स्वागत करता हूं, उनका हिम्मत को मैं नमन करता हूं कि इस परिवेश में भी, इस परिस्थिति में भी बीजेपी का साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उनको दुनिया का सबसे बड़े भारतीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार, मैं अध्यक्ष के नाते प्रदेश का उनको स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।